अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और शौक कार भी ज़बरदस्त जा रहा होगा। तो फ्रेंड्स आज जो है ना, मेरे ख्याल से 26वां दिन जा रहा है, ठीक है 26वां पार्ट बल्कि जो है ना, ये मुर्गों कुरीट से रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने सोचा जो है ना आज वीडियो बनाते हैं, लेकिन वीडियो में जो है ना दूसरे मुर्गों का शौक करवा देते हैं, टॉपिक वही है, ठीक है। मैंने सोचा जो है ना ये मुर्गियाँ जो सी दूसरी थी, ये भी क्रीज वगैरह कर रही थी, इनका भी साथ जो है ना दिखा देते हैं, ठीक है। बाकी एक मैंने आप ये सच मुर्गा, ठीक है, हमारा एक बड़ा मुर्गा है, इसने कल जो है ना कोई नोकबाजी की है किसी दूसरे मुर्गे के साथ, इधर ऊपर से अपनी जो है ना नोका इसने उतार लिया। बस ये अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना सिर्फ इसका भाई खोल हल्का सा जो है ना आगे से उतरा, ठीक है। बाकी अल्लाह के हुक्म से यह कि बचत हो गई है, खोल आ जाएगा, इसकी टेंशन नहीं है। नीचे गुल्ली डैमेज हो जाए फिर बहुत बड़ा बहुत मसला बनता है। तो ये आप देखें, ठीक है, तो इस पर किया कुछ नहीं है मैंने, ठीक है। ये आप अगर करेंगे तब भी अच्छा है, ठीक है, अगर नहीं भी करते, बस ये एहतियात करनी है कि नीचे, खैर मेरी तो मिट्टी ना, अगर आप लोगों का फ़र्श वगैरह हो ना तो उस पर आपने सिर्फ ये एहतियात करनी है कि पक्के फ़र्श पे कोई खाने वाली चीज़ ना गिराएं, ठीक है। अगर आप पक्का फ़र्श है उस पर भाई, आपने क्या है कि निकालने तो उधर ही होते हैं, पक्का फ़र्श है, ठीक है, तो फिर आप मुर्गे को जो है ना कुछ दिन बंद ही रखें, ठीक है, बाहर ना निकालें, कुछ दिन उसे बंद ही रहने दें, उससे जो है कि मुर्गा चोंच नीचे नहीं मारेगा, ठीक है। पक्की जगह पे दाना शाना नहीं देना उसे, ठीक है, बेहतर यही है। आप इस तरह की जितनी ये मेरे पानी की है, ठीक है, इस जितनी हो जैसे थोड़ी छोटी हो जाए, ऊपर कपड़ा रख के ना यूँ साइडों से तार मार देनी है टाइट से करके, उसके ऊपर दाने डाल के मुर्गों शुरुओं को दें, जिसकी चोंच का मसला है। बाकी मैं तो खैर वो लगे हुए हैं मेरे जो सेनार पिंजरे में, मैं आपको दिखाता हूँ, डब्बे डब्बे लगे हैं बॉक्सेस से, ठीक है, तो मैं वो बार देता हूँ दानों से। तो ये जो है ना, ये मैं जो है ना दाने से बार ही देता हूँ, मैं बल्कि भी आपको करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। वैसे भी इसको भी बंद कर रहे हैं, ठीक है, क्रीज में लगे हुए हैं मुर्गों की खुराक जो है ना, तीन चार किस्म के दाने वगैरह मिक्स ही हैं, ठीक है। तो ये दाने इसमें खैर कम पड़े हैं, ये भी मैंने इतने डाल दिए ना, तो इससे भी चोंच इसके नीचे नहीं लगेगी। मैं एक मिनट, वैसे मैं इसको पूरा भरता हूँ, तो मैं 10 दाने लेके आता हूँ, ठीक है, उसको मैं डाल दूँगा अंदर, तो उससे ये होगा कि डब्बे के नीचे जो है ना सिरे पे मुर्गे की चोंच नहीं लगेगी, क्योंकि दानों से भरा हुआ होगा, ठीक है। बाकी जो होती है ये स्टार्ट में मुर्गा जो है ये खा जाता है। ये एक हमारा जो है हमारे किंग लसानी की पट्टी है, ये पट्टा है माशाल्लाह बड़ा, देखें अभी से इसकी जो है ये छोटा सा, ये छोटी सी है, थोड़ी थोड़ी करती है मस्ती, ये करता है, फाइनल इसका भी नहीं हुआ, असल में चूहे ने जो है इसकी दम काट दी थी, उस वजह से जो है ना थोड़ा सा काम एडेंट पहचान करने में जो है ना मसला है। वो एक हमारे इसी के जो है ना भाई है या बहन है, ये जो है ये बड़ा हो गया, ठीक है, इसका भी आप माशाल्लाह शौक करें। तकरीबन 8-1 माह का जो है ना ये पट्टा या पट्टी है, ये वाली जो ये पट्टा है, बल्कि इसका मैं कह रहा हूँ ये नहीं पता कि पट्टा है ये पट्टी है, ठीक है। बाकी ठीक है फ्रेंड्स, फिर जो है ना क्रीज वगैरह आप लोगों ने मैंने तकरीबन जितने बाहर थे सब के दिखा दिए, ठीक है। खुराक वही है, मिक्स कर मिक्स दाना आपने डालना है, सरसों के बीज भी बीज ऐड कर देने। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर जो है ना मिलती नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और जो भाई चैनल पे नहीं हुए उनसे रिक्वेस्ट है कोई चैनल को जो है ना लाइक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे मुर्गों से रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ।
तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है पसंद आएंगी और इससे फ़ायदे ही होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।